मैम मेरे को यहाँ पे कोर्स करना, 6 महीने का मेरा कोर्स था यहाँ पे लाइटनिंग के अंदर। मैंने स्किनर हेयर में यहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया था, उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रांड देख के यहाँ पे ज्वाइन किया था। लैक्मे बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मैंने उनका डायरेक्टर कौन है मैंने ये सारी चीजें नहीं देखी थी, तो मैंने उसको लेके यहाँ पे ज्वाइन किया था ब्रांड को लेके। लेकिन यहाँ पे ब्रांड के नाम पर कुछ और ही यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। हमारे उसमें सिखाया गया कि मतलब इसे प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होना चाहिए स्किन एंड हेयर में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला था थ्योरी होती है ज्यादा। तो मैंने कहा कि जब इन्होंने थोड़ी बहुत थ्योरी चलेगी आपके स्टार्टिंग डेज में, लेकिन 3 महीने तक कंटिन्यू थ्योरी ही चलती रही है। थ्योरी से धीरे 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 हमें इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया। वो किया गया क्योंकि ये जो वहाँ की डायरेक्टर है रक्षंदा खान, वो खुद एक हिंदू थी, उनका नाम सपना था, तो वो खुद कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, उन्होंने शादी की, उन्होंने 19 साल की एज में घर से भाग के शादी की थी। तो वही सारी कहानियां हमें सुनाई जाती थी बीच बीच में, पढ़ाई के बीच बीच में हमें बताया जाता था कि मैंने 19 साल की एज में घर से भागकर शादी की थी और मैं आज देखो बहुत खुश हूँ एक मुस्लिम के साथ और मेरे को घर में कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे घर वाले नाराज हुए थे लेकिन आज सब मान गए हैं, आज मैं अपने घर वालों के साथ रहती हूँ, मैं अपने घर पे भी जाती हूँ। तो उन्होंने सारी चीजें हमें बताई, मतलब धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हुई, उन्होंने हमें इस्लाम के धर्म बारे में बताना स्टार्ट किया, इस्लाम धर्म कैसा है, इस्लाम धर्म की खूबियां क्या क्या है, उसके बारे में हमें धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया। जिस चीज की हम पढ़ाई करने गए थे एग्जैक्ट वो पढ़ाई हमें वहां पे की नहीं जा रही थी, वो यहाँ पे नाम के लिए कराई जा रही है। यहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ऐसी जगहों पे। यहाँ पे धीरे धीरे वो हमें ये सारी चीजें पढ़ा रही थी, हमारा ब्रेन वॉश करा जा रहा था धीरे धीरे इन सारी चीजों को लेके। ठीक है तान्या, बहुत बातें आप बताती थी जी इस्लाम धर्म के बारे में। हाँ तान्या, एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि आप लंबे समय से यहाँ पर सीख रही थी, आप इनसे जो सीखने गई थी वो नहीं सीख पाई, बल्कि आपको धर्म दूसरे धर्म की तरफ प्रेरित किया जा रहा था। स्वाति भी इस वक्त हमारे साथ है, स्वाति मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक बार तान्या से ये समझना चाहूंगी कि तान्या आपने कितनी लंबी ट्रेनिंग यहाँ पर की थी और कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपको ये दूसरे धर्म के बारे में बता रहे हैं, इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, उसकी खूबियां बता रहे हैं, कब से आप ये समझ पाई? हो गया 6 मंथ का टोटल मेरा कोर्स था यहाँ पे, तो 1 महीने तक ठीक चला, पढ़ाई चली, कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 महीने के बाद धीरे 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 इन्होंने हमारा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया। मतलब एक मैं ये नहीं बोलूंगी 1 दिन में इन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। मेरा क्या, आज इतने हिंदू बच्चे हैं वहां पे, जितने भी हिंदू बच्चे हैं सबकी शिकायतें हैं। आज हर बच्चा, क्योंकि अकेला था हर बच्चा, कोई नहीं खड़े हो पा कोई भी नहीं खड़ा हो पा रहा था वहां पे, लेकिन आज मैंने आवाज उठाई है इस चीज को लेके। तो आज सारा जहाँ पे उस एकेडमी के जो भी बच्चे हैं जो पहले करके जा चुके हैं, आज सब मेरे साथ खड़े हुए हैं कि हम अकेले थे, हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, तो वो लोग नहीं जुड़ पा रहे थे इस चीज से कि हम आवाज उठाए, लेकिन आज मैंने आवाज उठाई। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है तो और बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं अकेले झूठ नहीं बोल सकती हूँ। चलो मैं अकेली थी, मैं अकेले झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इतना सारा बच्चा हमारे यहाँ पे जुड़ा ठीक हुआ है। ठीक है तान्या, स्वाति की बात भी चल लेते हैं। स्वाति देखिए, तान्या ने जो आप बीती बताई है वो वाकई में हैरान करती है, लेकिन आप इस इंस्टीट्यूट से कब से जुड़ी थी और साथ ही साथ क्या किसी तरीके का प्रेशर धमकाया जाता था, धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जाता था? जी, मैंने भी मार्च से ही ज्वाइन करा था। क्या कहते हैं, जब तक मेरी फीस जमा नहीं हुई थी मुझसे बहुत स्वीटली बिहेव करा जाता था, अच्छे से बात करी जाती थी, लेकिन जैसे मेरी फीस धीरे धीरे सारी जमा हो गई उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे हमारा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया। हमें थ्योरी के बीच में ये धर्म के बारे में बताती थी और धीरे धीरे बताती थी एक एग्जाम्पल के तौर पे, फिर धीरे 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 टाइम होते होते ये खुल के कहने लगी। इन्होंने मुझसे एक बार एक बात कही थी कि अगर अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तुम्हें शादी करनी हो और तुम्हारा मन करे कि किसी मुस्लिम लड़के से तुम्हें शादी करनी हो तो आप मुझे बताना, मैं आपका साथ दूंगी, आपके घर वालों को भी मनाऊंगी, और अगर घर वाले भी नहीं मानते हैं मैं आपका साथ दूंगी, आप शादी करना, घर वाले आगे चल के मान जाते हैं। ठीक है ताने, और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हैं, जो आप बीती बता रही हैं 6 महीने के कोर्स में इन लोगों को जो सीखने गए थे वो नहीं सिखाया जा रहा था, बल्कि इस्लाम धर्म के बारे में बताया जा रहा था, बल्कि अगर आप शादी करना चाहते हैं और किसी और धर्म में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खुद रक्षंदा खान ने धर्म परिवर्तन किया था। स्वाति और ताने आपका धन्यवाद, जतिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है गुड़गांव से। दरअसल गुरुग्राम में एक सोसाइटी में स्विमिंग पूल में डूबने से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सोसाइटी की बड़ी
लापरवाही सामने आई है, बता दें ये सीसीटीवी फुटेज। दरअसल इस स्विमिंग पूल के आसपास सीसीटीवी लगा हुआ था और वहीं पर स्विमिंग पूल में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। दरअसल और भी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं, लेकिन ये बच्चा इस स्विमिंग पूल में जब उतरा था, स्विमिंग पूल के अंदर उतरा था, तो उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिर अचानक से इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। ये बच्चा स्विमिंग करने के लिए गया था, और अमूमन देखते हैं हम सोसाइटीज में स्विमिंग पूल होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अलग पूल होता है जिसकी गहराई कम होती है। लेकिन आप यहां देख रहे हैं जहां बड़े लोग हैं वहीं पर ये बच्चा भी स्विमिंग करने के लिए गया। एक बहुत बड़ी लापरवाही गुरुग्राम में सोसाइटी में सामने आई है। 24 तारीख का ये फुटेज है और शाम को करीब 7 बजे के आसपास का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। इस बच्चे के डूबने के बारे में जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि ये बच्चा डूब रहा है, आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं, लेकिन जो लोग पूल में मौजूद हैं वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। बच्चे को जब तक बाहर लाया गया तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। 5 साल का ये बच्चा, आप देख रहे हैं कि कैसे लोग इसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बच्चे को बचा पाने की एक कोशिश नाकाम रहती है। अपने स्तर पर प्रयास जरूर किए जाते हैं, आसपास जो लोग मौजूद हैं वो कुछ समझ पाते, दूसरी तरफ से लोग आते हैं इस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो जाती है डूबने से। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में, बात करेंगे जल प्रलय की, क्योंकि लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। मनाली से खबर सामने है जहां पर ब्यास, संजनी, महादेव नदी और अखरी नाला लगातार उफान पर है और यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। बादल फटने से पानी का बहाव इतना तेज आ गया कि इसके साथ साथ बड़े बड़े जो पेड़ वो बहा कर ले गया और इस वक्त पुल भी बहा कर ले गया है। देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की मनाली से आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें। पानी का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा और हर बार हिमाचल उत्तराखंड से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है। भारी बारिश के बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड, जगह जगह पर आप देखते हैं। पिछली बार तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई थी और इस बार इसलिए जब बजट पेश किया गया तो खास तौर पर 11,500 करोड़ का बजट भी पेश किया था सरकार ने हिमाचल उत्तराखंड और ऐसी जगहों के लिए, नॉर्थ के राज्यों के लिए जहाँ पर भारी बारिश की वजह से तबाही मची थी। तो ये मनाली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अटल टनल का जो मार्ग है वो भी बाधित हो चुका है क्योंकि वहाँ पर भी मलबा आ गया और इस वक्त ये मनाली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट मनाली। और अभी फिलहाल लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप पहाड़ों का रुख ना करें क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। तो देखिए इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बादल का विद्रोह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। शहर जो है टापू में तब्दील हो चुके हैं, इसके अलावा सड़कें जो हैं वो नदियां बन चुकी है। किस तरीके से सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस पानी की वजह से बेबस और परेशान नजर आ रहे हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पुणे में सड़कें बनी समंदर, बड़ोदरा में बारिश आई मुसीबत आई, लोनावला में मुसीबत वाली बारिश, उत्तराखंड के चमोली में पुलिस बनी देवदूत, पूरब से लेकर पश्चिम तक पानी पानी जिंदगानी। पूरे देश को मानसून ने अपने कब्जे में ले रखा है। चारों तरफ बाढ़ बारिश से प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र हो या गुजरात, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, चारों तरफ हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो मैदानी इलाकों में नदियों का जल स्तर बढ़ने से जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के लोनावली की, जो अब टापू बन चुके हैं। लोगों की सांस हलक में फंस चुकी है, दूर दूर तक पानी दिख रहा है और जिंदगी उसी पानी के बीच फंसी नजर आ रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ही घर में रहने को मजबूर हैं। हालात तो ये हैं कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी बन चुकी सड़कों को पार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र के पुणे की, जहां आसमान से बरसी आफत ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है, सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, जिसने पुणे जैसे शहर में जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया है।
महाराष्ट्र की तरह ही गुजरात के बड़ोदरा में भी मूसलाधार मुसीबत की मार पड़ी है। सैलाब ने पूरे शहर की शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। लोग पानी में ही अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर है। सैलाब और सितम से लोग परेशान हैं और इंद्रदेव से इस कहर को रोकने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जहां एक तरफ शहरों में पानी पानी है तो उत्तराखंड की नदियों का भी यही हाल है। जल प्रलय जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। चारों तरफ पानी का कहर है। बारिश की प्रचंड मार से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसमें अब जिंदगी फंस कर रह गई है। चमोली की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज बहाव के बीच एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगा रहा है, अपनी सांसें बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, जिसे बाद में पुलिस के जवानों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया। एक तरफ बाढ़ बारिश का कहर है, दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी प्रचंड मार देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां पहाड़ों से पत्थर ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। रास्ते बंद हो चुके हैं, जिंदगी एक जगह फंस कर रह गई है। जहां देखो तबाही की तस्वीर आपको दिखाई देगी, जहां तक देखो वहां तक आपको पानी भरा दिखाई देगा। जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें चारों तरफ हाहाकार मचा रही हैं। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है तो कई राज्यों में आसमान से गिर रही आफत ने कहर बरपा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो मिनट में भारत का, हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से बाढ़। पलचान इलाके में पानी के तेज बहाव में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ के पानी में कई घर बह गए। मनाली मार्ग भी बंद हो गया। मनाली में बिगड़े हालात। पलचान में पुल पर आई बाढ़, चट्टानों और पत्थरों से रोड पर भी भारी बारिश जो है, पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। राहगीरों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड और मलबे के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। महाराष्ट्र में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में तेज बारिश के आसार हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। लोनावला में जोरदार बारिश, पानी में फंसे घूमने आए पर्यटक और बचाव दल ने लोगों का रेस्क्यू किया। आज से दिल्ली में दो दिवसीय बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक होगी। मीटिंग में जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणामों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कर्नाटक में एमयूटी घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी बहस देखने को मिली। विधानसभा में घोटाले पर चर्चा करने की मांग उठाई गई। 29 जुलाई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार। हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाएगा बजट में।